मेरा नाम दिगंबर है और मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश के चिड़गांव डिस्ट्रिक्ट शिमला में हुआ है। मैं जब 9 महीने का था मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई और पिताजी ने उसके बाद बढ़ाया मुझे। उसके बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर लिया। उसके बाद मेरा जीवन कुछ ऐसे ही निराश में चल रहा था। पूजा पाठ करता था, उपवास भी रखता था, लेकिन तो भी मेरे जीवन में कुछ शांति नहीं थी। तो मैंने 92 में घर छोड़ दिया और उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश में काम किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में आया, फिर दिल्ली के बाद मैं पंजाब में गया, पंजाब में भी थोड़े दिन काम किया। उसके बाद वापस दिल्ली में आया। दिल्ली में आने के बाद मेरा जीवन कुछ भी चीज़ सही नहीं चल रहा था। 97 में मैं नासिक में आया। जब मैं नासिक में आया तो एक लड़की से मेरा अफेयर था। तो अफेयर था कि हम दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता भी था। हमारा आना जाना, बात करना, थिएटर में जाना, ये सब चल रहा था। और यहाँ तक कि जब पहला लेटर मैंने उसको दिया था तो लेटर तो मैंने खून से वो लेटर लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जान भी दे सकता हूँ, ऐसा लेटर लिखा था। लेकिन उस समय एक दिन कुछ ऐसा घटना हो गया कि वो बोला कि मेरा मम्मी तुमसे शादी नहीं कराएगा, तो इसलिए अभी हम दूर ही रहेंगे तो अच्छा है। तो इसलिए मुझे उस दिन इतना निराशा हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि आज सुसाइड करना चाहिए, जीवन जी के कुछ फ़ायदा नहीं है। जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे कोई भी यश नहीं है, और मुझे ऐसा लगता था कि ये जीवन जी के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसी समय मुझे ऐसा लगा कि अभी सुसाइड करना चाहिए, खुद का जीवन ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे रस्सी और ये सब तैयार किया था और यही सोच रहा था कि अभी फ़ैन के उधर लगा देता हूँ, और दरवाज़ा बंद कर दिया था। अभी रस्सी बांधने के इसमें था, तब तक वो मेरा फ्रेंड आ गया। तो फिर मैंने रस्सी वगैरह साइड में छुपा दिया और फिर दरवाज़ा खोला और फिर बात करने लगे। तो फिर उस दिन फिर वो कैंसिल हो गया और मेरा जीवन और भी ख़राब होते जा रहा था। रेड लाइट एरिया में जाना, दारू पीना, गलत संगतियों में था। उस समय मेरा एक दोस्त था, वो किसी ने उसको सुसमाचार दिया एक बार, और वो सुसमाचार सुनने के बाद वो प्रार्थना सभा में गया। प्रार्थना ख़त्म होने के बाद किसी ने एक नया नियम दिया, नया नियम लेके डायरेक्ट बियर बार में गया, और जाने के बाद एक हाथ में वो बियर पी रहा था और एक हाथ से वो न्यू टेस्टमेंट पढ़ रहा था। लेकिन वहाँ पे उससे परमेश्वर ने बात किया। फर्स्ट कुरंथी 3:16 उसने पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते कि ये परमेश्वर का मंदिर है, जो इसका नाश करेगा उसका मैं नाश करूँगा। और जैसे ही उसको ये वचन आया, आधा बियर छोड़ दिया और बिल पेड करके वो होटल में गया, और उसके बाद वो बाइबल पढ़ता था। फिर कुछ दिन के बाद मैं उससे मिलने को गया, तो मिलने के बाद मैं बोला चलो दारू पीने जाएंगे। उसने मुझे बताया कि प्रभु यीशु ने उसके जीवन में कैसा परिवर्तन किया है। उसने बताया कि मैं अभी प्रार्थना सभा में जाता हूँ और मैं प्रार्थना सभा में जाता हूँ और मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने कैसा परिवर्तन किया उसने बताया। मैंने बोला कोई परमेश्वर नहीं है, अब मैंने भी बहुत कुछ किया और कुछ होने वाला नहीं है, ज़िंदगी यही है, खाओ पियो ऐश करो और एक दिन मरना है ये। तो वो बोला देख भाई, अभी मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मैं दारू नहीं पीता हूँ। तो हमारा बहुत वाद विवाद हो गया। मैं बोला तू धर्म बदल दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो बोला देखो भाई, धर्म तो नहीं लेकिन जीवन मेरा बदला है यीशु मसीह ने। एक दिन ऐसा हुआ कि एक इंगेजमेंट था, तो वहाँ पे इंगेजमेंट में मुझे भी बुलाया गया, और बुलाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के लोग थे और परमेश्वर के सेवक थे, और वो गाना गाया उन्होंने, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा।
तो वो गाना ने मेरे हृदय को स्पर्श किया, और उसके बाद वो परमेश्वर के दास वचन से जो प्रचार कर रहे थे, वो मेरे जैसे लग रहा था कि ये व्यक्ति डायरेक्ट मुझसे बात कर रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना करने के बाद मैंने अपने जीवन में अपने 26 साल की उम्र में ऐसा प्रार्थना कभी भी नहीं सुना था। और फिर जैसे ही वो दूसरों को प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला मेरे लिए भी आप प्रार्थना करेंगे? उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। तो फिर मेरे हाथ में ताबीज़ था, मेरा गले में ताबीज़ था, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा कि क्या जब आप पैदा हुए थे ये सब चीज़ था क्या? मैंने बोला तब तो नहीं था। तो उसने बोला कि क्या ये सारे चीज़ों से आपके जीवन में शांति है क्या? मैंने बोला शांति तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद कि यीशु मसीह आपके जीवन में शांति देगा, यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा, यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। और उसके बाद फिर मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, सबसे पहले मैंने गुटखा और सिगरेट फेंक दिया। मालूम नहीं क्या हुआ उस दिन, और उस दिन मुझे पीने का इच्छा भी नहीं हुआ। और उस दिन के बाद जैसे मैं मेरे होटल में आया, मैं शांत से बैठ गया, और उस दिन के बाद मेरा जीवन ऐसा लग गया कि मेरे जीवन से कुछ बोझ सा हल्का हो गया। और जिस शांति के लिए मैं दारू पीता था या रेड लाइट एरिया में जाता था, और उस दिन मुझे वो शांति मिली, और उस दिन के बाद मेरा जीवन प्रभु यीशु ने बदल दिया, और मैं प्रार्थना में जाने लग गया। प्रार्थना में जाने के बाद प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, और मैं पास्टर के साथ, पास्टर को असिस्ट करने लग गया, और उनके साथ मैं सेवकाई में जाने लग गया, और प्रभु ने उसके बाद मुझे उसके राज्य में सेवकाई करने के लिए बुलाया, और फिर मैं आज सेवकाई करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।